श्रावस्ती जिले में पांचवें चरण में चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करा रहे हैं। जहां भिनगा विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी मनोज पाठक ने नामांकन स्थल पहुंचकर अपना नामांकन किया और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनोज पाठक का जोरदार स्वागत किया। कोई नहीं एक टक्कर में कहां पड़े हो, चक्कर में 62,000 जो है ब्राह्मण और करीब 20,000 पासवान और 21% दलित और मैं क्षेत्रीय उम्मीदवार, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। लोग आज 8 दिन से मैं दौड़ रहा हूं और कल भी मेरे साथ साजिश हुई, 5 दिन से मेरे साथ में साजिश हो रही है कि इनका पर्चा खारिज करा जाए, इनका नामांकन दाखिल खारिज करा जाए, क्योंकि मैं भारी मतों से जीत रहा हूं और वर्तमान सरकार की जड़ें हिल गई हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश आज ही से रचना स्टार्ट किया है, वो मेरी हत्या भी करा सकते हैं। विकास में कोई दोरा नहीं। विकास कार्य के मुद्दे क्या रहेंगे? विकास कार्य के मुद्दे है कि मेरा अगर मैं जीतता हूँ तो मैं 289 के जितने भी गांव हैं मैं घर घर जाऊंगा, उनकी समस्या पूछूंगा, उनकी समस्या के अनुरूप मैं 289 भिनगा विधानसभा का विकास कराऊंगा। श्रावस्ती पिछड़ा क्षेत्र है, शिक्षा में अशिक्षित घोषित है, इसको लेकर आप क्या करेंगे? अगर विधायक बनते हैं सबसे पहले कदम क्या रहेगा? पहला मेरा काम है कि जो पलायन का जो सबसे ज्यादा पलायन है मजदूरों का, उसको रोकना, कि किसानों के हित की बात करना, 33% महिलाओं को आरक्षण देना, ये हमारा प्रमुख मुद्दा होगा।